हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो MRPL इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चन को देख लें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग नॉर्मली लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। तो हमें पता है कि हम लोग नॉर्मली किस टाइप के यूज करते हैं, एब्सोल्यूट टाइप। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू जानना है तो हम लोग किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक इंस्टेंटेनियस के लिए, एक इंस्टेंट के लिए जानना है। थर्ड क्वेश्चन है कि नीचे में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकता है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है कि वो सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया किसी इंस्टेंट के लिए, तो किसी इंस्टेंट के लिए अगर हमें मेजर करना हो तो वो होगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर हमको टोटल क्वांटिटी ऐड करना हो तो हमको क्या करना होगा, हमको उसको ऐड करते जाना होगा, और ये फंक्शन किसका है, इंटीग्रेटिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, नीचे में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एम्पियर आवर एंड वाट आवर। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो रेजिस्टेंस को किसकी मदद से मापा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमीटर एंड रेजिस्टेंस ब्रिजेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज, तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज स्विच बोर्ड एंड पोर्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज पोजेस्ड बाई एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या फीचर्स होता है। तो हमें पता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, डैम्पिंग भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ऑसिलेशन को प्रिवेंट करता है और जो पॉइंटर है उसको फाइनल पोजिशन में रीच करने में इनेबल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैम्पिंग, डैम्पिंग डिवाइस जो है वो ऑसिलेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है, जो स्प्रिंग मटेरियल है यूज करते हैं हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पता है कि जो स्प्रिंग होनी चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी लो होना चाहिए, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी लो होना चाहिए, और इसमें किसी तरह का फैटिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। टेंथ क्वेश्चन है हम लोग का कि डैम्पिंग ऑयल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नीचे में से जो प्रॉपर्टी दिया गया है कौन कौन सा सही है। तो हमें पता है कि डैम्पिंग ऑयल की जो अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वो एक गुड इंसुलेटर होना चाहिए, उसमें इवेपोरेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोरोजिव एक्शन नहीं होना चाहिए, और उसका विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। फिर बोला जा रहा है कि एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग एक लो रेजिस्टेंस शंट लगा दें तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एमीटर की तरह। ओके, ये मैं जस्ट रिविजन के लिए करवा रहा हूँ, इसी कारण मैं अभी डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ओके, सेपरेट लेक्चर नहीं, एक प्लेलिस्ट ही आएगा टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फ्लक्स मीटर की तरह कब यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उसके कंट्रोल स्प्रिंग को एलिमिनेट कर दें तो उसको हम फ्लक्स मीटर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर हमें किसी डिवाइस का रेंज को एक्सटेंड करना है तो हम लोग उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। तो इसका आंसर, संट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लायर भी लगा सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मीटर जो है वो
कितना करंट को हैंडल कर सकता है। तो इसका आंसर है डी, 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इंडक्शन वाट मीटर को हम लोग को ज़्यादा करंट हैंडल करवाना है तो हमें क्या उसके साथ क्या लगाना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करंट ट्रांसफार्मर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में मेजर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोवाट आवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसी मीटर विथ इन मेट विथ इन एवरी डे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आर। मैक्सिमम जो एसी मीटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स आर नॉट यूज्ड इन डीसी सर्किट। तो हम लोग इंडक्शन मीटर को डीसी सर्किट में यूज नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मोटर मीटर। तो एक मोटर मीटर में ऑपरेटिंग टॉर्क भी होता है, ब्रेकिंग डिवाइस भी होता है और रिवोल्यूशन रजिस्टरिंग डिवाइस भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पोटेंशियोमीटर में भी यूज्ड फॉर, तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, करंट के मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीटर के कैलिब्रेशन में भी यूज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मेजर करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटिव टू अर्थ एंड अनदर। तो इस हम लोग को पता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है मीटर, ऑप्शन बी। हम लोग का जो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर होता है वो किस टाइप का एनर्जी मीटर होता है। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर जो होता है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है कि जो हम लोग का पॉइंटर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, वेरी लाइट, वेरी हैप्पी या कोई भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वेरी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, जो करंट का केमिकल इफेक्ट होता है उसको किस में यूज करते हैं। तो उसको यूज करते हैं डीसी एमिटर आवर मीटर में। उसके बाद बोल रहा है कि ज़्यादातर इन मेजोरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग किस तरह का होता है। तो हमें पता है कि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग होता है वो एडी करंट डैम्पिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिटर किस टाइप का डिवाइस है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो एमिटर जो है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क किस तरह का होता है। तो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, ठीक है, स्प्रिंग से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एडी करंट डैम्पिंग शुड बी। जो डिस्क है अगर उसमें हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसका डिस्क किस तरह का होगा। तो उसका डिस्क होना चाहिए कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक। नेक्स्ट है, द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग वर्टिकली पोजिशन में माउंट करते हैं या हॉरिजेंटल में करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम लोग वर्टिकली माउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फंक्शन ऑफ संट इन एन एमिटर इज टू। जो एमिटर में संट लगाए जाते हैं उसको क्यों लगाया जाता है, ठीक है, एमिटर में जो संट लगाते हैं उसका क्या काम है। तो उसका काम है टू बाईपास द करंट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लायर एंड मीटर कॉइल इन ए वोल्ट मीटर आर इन। मीटर कॉइल और मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर में कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं या किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरीज। मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल वोल्ट मीटर में कैसे होते हैं, सीरीज में।
ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम लोग किस क्या मापने, किस तरह के सिग्नल मापने में यूज करते हैं, डीसी एसी या दोनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, डीसी और एसी दोनों में। उसका बाद है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका स्केल कैसा होता है, तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का स्केल होता है लीनियर स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग करंट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज, अगर हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सर्किट का करंट यूज करना है, सॉरी मेजर करना है, तो हम लोग किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ मूविंग कॉइल ऑफ डायनामोमीटर वाट मीटर शुड बी, मतलब डायनामोमीटर वाट मीटर जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाई। नेक्स्ट, डायनामोमीटर वाट मीटर को एसी में एसी मापने के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी या फिर दोनों मापने के लिए यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ डीसी एंड एसी। इंडक्शन वाट मीटर का भी वही सेम, किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या मापने के लिए? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब डीसी ओनली। इंडक्शन वाट मीटर से हम लोग सिर्फ डीसी माप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है द प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल वेन, मतलब प्रेशर कॉइल जो है उसको हम लोग सप्लाई साइड में कब कनेक्ट करेंगे, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोड इंपेडेंस इज हाई। इन ए लो पावर फैक्टर वाट मीटर द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड, एक लो पावर फैक्टर वाट मीटर है उसमें प्रेशर कॉइल को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं हम लोग लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है लो पावर फैक्टर मीटर में, वही लो पावर फैक्टर पावर मीटर में जो कंपनसेटिंग कॉइल होता है वो कहाँ कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्ट होता है सीरीज में प्रेशर कॉइल के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।